प्रश्न कह रहे हैं सर, ये तो सर राहुल जी ने राहुल के साथ किसी और को नहीं लगा रहा सर, अजय जी थे ठीक नहीं है क्या सर? नहीं नहीं देखिए रिपोर्ट ठीक और क्या क्या आपके पास और कोई स्टाफ नहीं है जो सर मिस अंजलि है वो तो आपने प्रीवियस ऑफिस में ये भी संभालते थे डिपार्टमेंट अगर आप कहते हैं तो उनको कर देते हैं अजय जी सीनियर हैं इसलिए उन्हें दी थी आप अजय को लो जो पिछले प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी हमारी वो अंजलि ने और राहुल ने अच्छी बनाई सर हाँ ये माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मुझे पैसे की जरूरत है सर अभी एक हफ्ता तो हुआ आए हुए अभी से एडवांस चाहिए तुम्हें प्लीज मैम सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सर प्लीज माँ की तबीयत बेटा आप सच बोल रहे जी सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर ऐसे ही है सर एडवांस लेने के बहाने हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा नहीं मैम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मैम प्लीज प्लीज सर बेटा ऐसा है देखो आप झूठ बोल के कोई भी एडवांस एक बार ले सकते ठीक है लेकिन उसके बाद अगर हमें पता चला कि आपकी माँ की तबीयत खराब नहीं है तो तुम्हारी दिक्कत नहीं सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सर चलिए सर सर हमारी एडवांस देने की पॉलिसी है ही नहीं सर मैडम प्लीज मैं सच कह रहा हूँ कोई बात ऐसा कीजिए फिलहाल वहां जाओ ठीक है ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू ओके मिस्टर मैम तो आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंजलि वगैरह को लेके जी सर ठीक है सर मैं ऑफिस ऑर्डर्स निकालती हूँ सर सच बोल रहा है सर बोल रहा है सर
तुम इस समय रिपोर्ट दिखा रहे हो, ऑफिस में नहीं आकर दिखा सकते थे? सर मैंने सोचा कि आप परेशान होंगे। सर सोचा? अरे इन्फॉर्म तो करते तुम बल्लू। चल मिस अदानी से जो भी पैसे की जरूरत पड़े आप दीजिएगा। ये वो लड़का है जो अपनी मां के लिए काम कर रहा है। सर बहुत अच्छे बेटा, ऐसे अपनी मां की सेवा कर। वो भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है, और तुम अपनी मां की केयर कर रहे हैं। एक बार मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं, जरूर देखना चाहता हूं उस मां के बेटे को। अपनी मां की सेवा के लिए बेटे ने काम तक। बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आइए सर, आइए सर, आइए सर।